संभल में गुन्नौर के बीजेपी विधायक अजीत यादव उर्फ राजू ने बेसिक शिक्षा विभाग पर ड्रेस वितरण के नाम पर 8 करोड़ के घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक ने स्कूलों से गैर हाजिर 60,000 बच्चों के ड्रेस के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए हड़पने की शिकायत की है। घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर बीजेपी विधायक अजीत यादव ने प्रदेश मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ ही जिले के डीएम को शिकायती पत्र, घोटाले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सर, गिन्नौर विधायक बीजेपी के, जिन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस वितरण एवं अन्य सामग्री की अनियमितताओं को लेकर शिकायत की है, जिसमें 8 करोड़ रुपये का विभाग पर गबन का आरोप लगाया है, क्या है मामला? देखिए, माननीय विधायक जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास खंडों में ड्रेस वितरण के में अनियमितता के संबंध में शिकायती पत्र दिया है और इसके विषय में प्रशासन जो है इसकी जांच करा रहा है। जांच में जो स्थिति निकल के आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित है और हमारी सरकार ने गरीब बच्चों के लिए एक बहुत ही सराहनीय अच्छा कार्य किया कि उनको 100 रुपये और अधिक बढ़ा करके उनको अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और वो सारा जो है व्यवस्था की है, जिसके मुताबिक जो कुछ ठेकेदारों ने और बहुत ही सस्ते और बहुत ही घटिया किस्म के ड्रेसें स्कूल में वितरण की गई, जबकि ये नियम विरुद्ध है। नियम ये है कि जो विद्यालय की समिति होती है उसका प्रस्ताव होता है, कपड़े लिए जाते हैं, सिलाई होती है, अच्छे से अच्छा कपड़ा हम ले करके उनको सिलवाएं, बच्चों को दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे जनपद में सभी अधिकारी कर्मचारियों ने मिल करके और कुछ ठेकेदारों ने मिल करके सांठगांठ करके और इस घोटाले को करने का काम किया है। कुछ बच्चों को ड्रेस मिल गई हैं, कुछ को नहीं मिली हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स का काम है और भी काम है, तो ये इस संबंध में हमने डीएम साहब को लिख करके दिया, उसकी जांच हो रही है। लगातार हमारे पास भी सबूत मौजूद हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं। लगातार अपनी सरकार में ही आप अधिकारियों को ये घोटाले के आरोप लगाते रहे हैं, क्या इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? अब आरोप बिल्कुल सही हैं और हमने जो बात रखी है वो जायज बात रखी है। अब हम प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, तो हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसके गलत कार्यों का खिलाफत की जाए और उसको सही कराने के लिए हम प्रयासरत हैं और हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा और ऐसे बेईमानों, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारी मांग है और होगी भी, हमें विश्वास है।